असलम आप वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस के स्पीक। मेरा नाम है किसा जारा और मेरे साथ मौजूद हैं शोजत हैदर। आज हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट के बारे में, एशेज का जो कि कल स्टार्ट हो रहा है हेडिंगली में, और थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे सेकंड टेस्ट का कि जो हम नहीं कर सके थे, कुछ इश्यूज आ गए थे उसकी वजह से। अच्छा शोजा, पहले से पहले हम थर्ड टेस्ट की बात करें, पहले आप हमें सेकंड टेस्ट के बारे में बताएं कि आपके क्या रिव्यूज रहे, जिसमें बेन स्टोक्स की इनिंग्स की बात करने, स्टीव स्मिथ की इनिंग्स की बात करने, पैट कमिंस की बॉलिंग की बात करने, जोश टंग ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो क्या आपके ओवरव्यू रहे सेकंड टेस्ट के हवाले से? जी बिल्कुल, सेकंड टेस्ट तो काफ़ी अच्छा रहा। जिस तरह स्टोक्स ने आकर मैच को क्लॉस की करने की कोशिश की, इंग्लैंड की तरफ लेकर आने की कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं लेके जा सके। लेकिन काफ़ी अच्छी उन्होंने जो है इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। और एशेज का मज़ा भी इसी में होता है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाती हैं। जिस तरह कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्टोक्स आके ऐसी इनिंग्स खेलेगा और इंग्लैंड इतनी क्लोज चली जाएगी, लेकिन मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा। कुछ एरर्स इंग्लैंड की तरफ से रहे, जिसकी वजह से वो मैच नहीं जीत सकते। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में इसी तरह का इंटरेस्टिंग मिलेगा और इंग्लैंड कमबैक करेगा। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है कि कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अच्छा तो आप अब बात कर लेते हैं थर्ड टेस्ट के हवाले से, जो कि हेडिंगली में खेला जाएगा, कल से स्टार्ट हो रहा है थर्ड टेस्ट, जिसमें इंग्लैंड ने काफी चेंजिंग्स किए हैं, जिसमें हैरी ब्रूक 3 नंबर पे खेलने के लिए आएंगे क्योंकि ओलिपॉप रूल्ड आउट हो गए हैं, और जोश टंग और जेम्स एंडरसन को रेस्ट दिया गया है, जिसकी वजह से क्रिस वॉक्स और मार्क वुड लाइनअप का हिस्सा बनेंगे और ओलिपॉप को मुइन अली रिप्लेस करें। तो शोएब, कैसे देखते हैं आप इस लाइनअप को, क्या एक्सपेक्टेशन है? और अगर हम हेडिंगली की बात करें तो 300 मैक्सिमम वहाँ का एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स का, और वहां पे बैटिंग ज्यादा फेवर कंडीशंस होती हैं, तो आपके क्या व्यूज हैं इस इंग्लैंड की लाइनअप को देखने के बाद? जी, इंग्लैंड की चेंजेस देखने के बाद तो मैं थोड़ा सा शॉक में आया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि जोश टंग को ये बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसने अच्छी बॉलिंग की थी। और जिस तरह ओलीपॉप का, तो चलो थोड़ा बहुत ओलीपॉप के बारे में भी इतना नहीं था मैं, लेकिन एंडरसन का था आगे थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। उनके थोड़े अब बैड डेज चल रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं। और उनकी जगह जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, मार्क वुड, क्रिस वॉक्स और मुइन अली, ये काफी अच्छी चेंजेस हैं। लेकिन जोश टंग का सिर्फ मुझे था कि उनको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। खैर, मुइन अली वापस आ चुके हैं इंजरी से, अब देखना होगा अब उनको जो इंजरी हुई थी जिसकी वजह से अब उनकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना हो। और हैरी ब्रूक के जो आपने बात की, थर्ड नंबर पे आएंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि अब वो जिस तरह वो पास बॉल खेलते हैं, तीसरे नंबर पे आके वो किस तरह खेलेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो थर्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है टेस्ट क्रिकेट की बात करें। अच्छा, अगर हम इंग्लैंड लाइनअप की बात करें तो मुइन अली और क्रिस वॉक्स दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लैंड को बैटिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब डाउन द ऑर्डर आके दोनों में ये एबिलिटी है कि वो एक ही क्रूशल पार्टनरशिप या क्रूशल रन दे सकते हैं अपनी टीम को। अच्छा, जहां तक हम हेडिंगली की बात करें और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बात करें, तो इंग्लैंड ने 8 मैचेस जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैचेस जीते हैं, अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात करें। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं कि नेक्स्ट टेस्ट मैच जो कि हेडिंगली में होने जा रहा है, जहां पे बेन स्टोक्स ने एक हिस्टोरिक इनिंग्स भी खेली हुई है, तो क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है इंग्लैंड जीत रहा है? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर एशेज का मजा ही खत्म हो जाएगा, अगर इंग्लैंड जीता तो थोड़ा सा थ्रिल बाकी रहेगा, तो क्या व्यूज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, इंग्लैंड ने जिस तरह पिछला मैच खत्म किया, मेरे ख्याल में उनको तो अब चढ़ के आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एंड किया है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई इतना क्लोज आकर खत्म होंगे। क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड ने जो है अब अगले मैच में खेलना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एक मैच हार गए तो पूरी सीरीज गई अब। और मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि इंग्लैंड जीतेगा, क्योंकि एशेज भी थ्रिल आएगा। ऑस्ट्रेलिया जीता तो फिर ऐसे खत्म ही हो जाएगा, फिर बैठे रहेंगे सिर्फ मैच देखते, कोई थ्रिल नहीं बाकी रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंग्लैंड परफॉर्मेंस अच्छी देगा और जो है आशीष का थ्रिल जो है रिमेन रहेगा। बात उसे ये एशेज का थ्रिल उसी में रिमेन रहेगा कि अगर इंग्लैंड नेक्स्ट मैच जीते, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा, जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कि उनका जो एक टॉप टायर स्पिनर था नेथन लाइन, वो इंजर्ड हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं।
अब हम बात करते हैं टॉड मर्फी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं। उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस अब तक खेल चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो नेथन लाइन को रिप्लेस कर रहे हैं? और अगर हम बात करें उसकी या स्कॉट बोलैंड को भी अगर वो ले आए और सारे प्रेशर्स ले आए, तो क्या आपको क्या लगता है कि पैट कमिंस और उसकी टीम की क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी, नेथन लाइन तो अपनी इंजरी की वजह से स्क्वाड से रूल आउट हो चुके हैं। अब उनकी जगह अगर स्पिनर लिया जाए तो टॉड मर्फी हैं, लेकिन स्कॉट बॉलैंड भी बैठे हैं जिन्होंने काफी अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। ऑल दो उनकी जो रिप्लेसमेंट आई थी मिचेल स्टार्क, उन्होंने भी काफी अच्छी बॉलिंग की। तो जिसको भी अगर इंग्लैंड अब चेंज करेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर टॉड मर्फी को लाते हैं तो स्पिनर के लिए उनकी अच्छी इंट्रोडक्शन होगी, और अगर स्कॉट बॉलैंड को लाते हैं वो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो अगर इनको स्पिनर के लिए जाना चाहिए, स्पिनर के लिए ऑब्वियसली इनके ख्याल में जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चाहते तो स्कॉट बॉलर भी एक अच्छी रिप्लेसमेंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्या करता है और इंग्लैंड क्या करता है। यही था हमारा इश्यूज का प्रीव्यू। आप भी अपनी हमें जरूर फीडबैक दें, क्या प्रिडिक्शंस हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत रही है। फॉर मी इट्स ऑस्ट्रेलिया और फॉर शोज अप इट्स इंग्लैंड। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो 3rd टेस्ट मैच रिव्यू करने का भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक प्लीज जरूर शेयर किया करें, हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। और until next time, अल्लाह हाफिज। मैंने उल्टे हाथ से अल्लाह हाफिज किया।